वालिया यूट्यूब चैनल से तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शको, खाड़ी युद्ध तुसी सुनिया हो, उन्हां दिनां च एक चैनल बहुत देखा जा रहा सी, न्यूज चैनल, वो सी CNN, केवल न्यूज नेटवर्क। ये चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया सी, लाइव दिखाउंदा सी। ते इहे जदों शुरू होया 1980 दे विच, अटलांटा तो शुरू होया सी, अमरीका तो टेड टर्नर नाम दे बंदे ने शुरू कीता सी। उहदे मन च ख्याल आया कि हुण जिवें दुनिया जिहड़ी है वह ग्लोबल हो रही है, तो कोई ना कोई ऐसा वधिया चैनल चाहिदा है जिहड़ा सारी दुनिया च देखा जा सके, बहुत सारे कंट्रीज दे विच इको टाइम देखा जा सके। तो हुण देखो ना तुसी, न्यूज़ चैनल जिवें लोकल, रीजनल, तो फिर नैशनल चैनल होंदे ने, इस तरह इंटरनेशनल खबरां लई भी तां चैनल होना चाहिए। ये उसकी दूरदृष्टि सी टेड टर्नर दी। और हैरानी की गल सी कि जदों उन्हें चैनल शुरू किया उस वेले तक उसने 100 घंटे तक खबरां नहीं सुनियां सी, जिनकी उहदा कोई तजर्बा नहीं सी। तो वो शुरू कर रहा सी दुनिया के लिए एक न्यूज़ चैनल कर लिया शुरू, तो शुरू करन तो बाद उसनु पता लग्या ये तो बड़ा औखा काम है, पत्रकारी वैसे भी तलवार ते तुरन वाली खेड हुंदी है, बहुत औखी हुंदी है पत्रकारी, एवें लगता है। सो पत्रकारी दे विच हुंदा की है कि इन्ने रिस्क के बावजूद जे तो चल गया ठीक है, नहीं तो बंदा सड़क पर आ जाता है। इस बंदे ने चैनल चलाने लई अपनी सारी चल चल जायदाद जिहड़ी उह बेचती, सारी प्रॉपर्टी जिहड़ी है उसने सेल करती, लेकिन चैनल घाटे चल रहा सी। फिर अचानक खाड़ी युद्ध शुरू हुंदा और सदाम हुसैन कहिंदा कि मैनू इस चैनल ते विश्वास है। तो उस तो बाद ये चैनल जड़ा है पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलरिटी का एक बड़ा कारण यह रहा कि इसकी विश्वास योग्यता बहुत बन गई, क्रेडिबिलिटी बहुत बन गई। असी कहने ना साढ़े जोड़े चैनल चलते ने इन च किसी नूं असी गोदी मीडिया कह दें, टीरा मीडिया, पालतू मीडिया, वो कारण ही है कि उन्हां दी क्रेडिबिलिटी नहीं, विश्वास योग्यता नहीं। पुछना पैंदा भी ये सच्ची खबर है कि नहीं खबर, खबर चैनल तो चल रही होंगी है, फिर भी लोग एक दूजे को पुछते हैं वो फलाने चैनल ने कही है ये नहीं छोड़ो जी। साढ़े भी रहा इंदिरा गांधी का कतल होंगे तो अपने चैनल तो, यानी इंडिया के दो ही सी, उदो दूरदर्शन सी जा आकाशवाणी सी, कन्फर्म कर ली जी है राजीव गांधी खबर BBC दी सुनद, ये है विश्वास योग्यता की गल। सो जिहड़ा टेड टर्नर सी उसने इसनू चलाउण लई सचमुच ही जिंदगी मौत का सवाल बना लिया। घाटे चल रहा सी, घाटा भी थोड़ा नहीं, महीने का $20 लाख का घाटा पै रहा सी उसनू। और बहुत बार लोगों ने कहा कि इहनू बंद कर दो, वह कहिंदा नहीं बंद नहीं कहिंदा मैं करना। उहने एक गल कही सी, कहिंदा मेरी किश्ती दे विच हर किस्म का झंडा है, हर रंग का झंडा है, पर कोई भी झंडा ऐसा नहीं जिहदा रंग सफेद होवे। उहदा मतलब यह सी कि मैं सरेंडर नहीं करना किसी भी हाल च। हालांकि उस वेले दे जिहड़े होर चैनल सी उह भविखबाणी कर रहे सी कि इस तरह का कोई चैनल नहीं चलना जिहड़ा ग्लोबल लैवल ते देखा जाए। एक बार बार लोग लिखते सी पर वो डटिया रहा। सच्ची गल है कि जदों तुहाडे कोई खिलाफ चलता है तो फिर तुसी जे डटे रहने हो तो कामयाबी काफ़ी हद तक नेड़े आउंदी है। तो वो डटिया रहा टेड, और जदों सदाम हुसैन ने इस नूं चुन लिया तो यह चैनल की पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ गई। सो हुण उहदा जिहड़ा 20 लाख रुपए का घाटा पै रहा सी वह भी हौली हौली मुड़ना शुरू हो गया। तो फिर एक दिन ऐसा आया सारा जिहड़ा औखा समा सी वो
गुजर गया, समा तो कदे भी इको जहा नहीं रहा, ना माड़ा ना चंगा, समय ने तो आपकी चाले चलते रहना होंगे। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि ये चैनल वधिया चैनलों के विचों ते सब तो वधिया चैनलों के विचों गिनिया जाण लगा। हुण तुसीं कहोगे कि टेड टर्नर जिहड़ा इन्नी मुश्किल नाल चैनल चलाउंदा सी ते फिर वो मुश्किलां नूं पार करके अरबां पति किवें बन गया, उहदी सफलता दा राज मैं जदों देखिया तां मैनूं दो तीन उहदे गुण नज़र आए। पहली तो गल उहदी आई दूरदृष्टि, उहने पहले ही पहचान लिया भी एक टाइम आऊ इन्हां दिनां च कि जदों दुनिया एक ग्लोबल चैनल भी देखिया करूगी, सारी दुनिया के खबरां भी किसी एक चैनल से आनिया चाहिए ने। एक तो वो दूरदृष्टि से, दूजा जिहड़ी सब तो वड्डी गल मैनू लगी वो रिस्क लैण की कपैसिटी से, रिस्क लैण की हिम्मत सी। तो लगातार आप देखते हैं जिहड़े लोग कामयाब होंदे ने किसी भी खेत्र च होंदे ने वो रिस्क लैंदे ने, उन्हां च वो हिम्मत होंदी है, वो जोखम उठा लैंदे ने। तुसीं कुछ होर भी ना करो, जे तुसीं शेयर मार्केट च जाने हो जिहड़े लोग अमीर होए ने जदों उन्हां दी हिस्टरी देखदे आ वो रिस्क ले उन्होंने बड़े बड़े तो कामयाब हो गए। हर इन्वेस्टमेंट के पिछे रिस्क पई हुंदी है, जिहड़ा बंदा रिस्क लै लैंदा है वो किते ना किते कामयाबी वल नूं राह बना लैंदा है। ताही तां कहिंदे ने मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। सो इहने रिस्क लिया, एक ही सी दूरदृष्टि सी, रिस्क लैण दी जिहड़े उहदे च सी डटे रहण दी एक ना कंटीन्यूटी भी हुंदी है भी तुसीं लगे रहो। लगातारता जिहनूं आपां कहिंदे आ वह भी जिहड़ा है बहुत जरूरी हुंदी है। जदों मैं जोखम उठाउण दी गल करदा ना उस वेले ख्याल रखियो रिस्क लैणा अपने आप च ठीक है, रिस्क तां इक चोर भी लैंदा, रिस्क तां इक डाकू भी लैंदा, रिस्क तां इक स्नैचर भी लैंदा। रिस्क लैणा किहड़े काम लई लैणा, थोड़ी दिशा की है, डायरेक्शन की है, पॉजिटिव है, थोड़े लिए ठीक है, समाज लिए ठीक है, परिवार लिए ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। मैं अपनी किताब दे विच जिक्र कीता 7D मंत्रा फॉर सक्सैस। हुण सत्त जिहड़े 7D ने जिहड़ियां उन्हां च इक डायरेक्शन भी है, ये है कि किहड़ी डायरेक्शन च तुसीं कम करना जां रिस्क लैना। बाकी डी कहड़ियां ने, ड्रीम, ड्रीम होगा तो ही तो तुसी चलोगे। इन्हें ड्रीम लिया कि एक ग्लोबल चैनल चाहिए, तो फिर ड्रीम सब तो पहली शर्त तो सुपना लेना ही होंगी है ना। जो तुसी कुछ कर दो हर चीज़ दो तीन बार बनती है, पहली बार मन च बनती है, पहली बार सुपना बनती है, फिर वो कागज़ पर उतरती है, फिर वो अमली रूप च आती है। सो पहली फर्स्ट डी इज ड्रीम, सैकेंड इज डिजायर, ड्रीम लैके फिर उन्होंने पूरा करने की डिजायर, फिर किमें करना है डिटरमीनेशन, फिर जदों डिटरमीनेशन होगी तो भाई इरादा पक्का है कुछ भी हो जाए, फिर वो डेडिकेशन, डेडिकेशन ना लगना है, तो फिर डेडिकेशन डिटरमीनेशन ड्रीम डिजायर सब कुछ हो गया। जे डिसिपलिन नहीं फिर कामयाबी नहीं, फिर डिसिपलिन अगली डी जी। फिर कदों तक ये भी है, ये नहीं कि सारी उम्र उड़ीकी जाना है, एक डेडलाइन ले लैनी है। डेडलाइन का मतलब होंगे इन्नी तरीक तक मैं पूरा करना है। सो सिक्स्थ डी इज डेडलाइन, तो दैन डायरेक्शन केड़ी दशा। सो 7D जिहड़ा सक्सैस का फार्मूला इज द 7D मंत्रा फॉर सक्सैस। मंत्रा केड़े केड़े ने, ड्रीम डिजायर डिटरमीनेशन डेडिकेशन डिसिपलिन डेडलाइन डायरेक्शन। तो जिन्हें कामयाब होना ये 7D सामने रख लो, कामयाब हो जाओगे। ड्रीम बनाओ लग जाओ, ड्रीम दी डिजायर बस, उदू बाद फिर बाकी डी। जदों तुसीं डेडिकेशन नाल लगोगे डिटरमीनेशन नाल लगोगे तो कामयाब होंगे होंगे। तो थोड़े सामने है जिहदी मैं कहानी सुनाई है टेड टर्नर, अजकल दुनिया का सब तो अमीर बंदियां चों एक बन गया, सिर्फ ये जिहड़े उहदे च गुण सी। सो मैं आस करदा कि इस स्टोरी तो तुहानूं ये गल तो जरूर पता लग गई
कि जिंदगी दे विच कामयाबी लई कुछ ना कुछ तो बखरा हुंदा आम लोगों को उस बंदे दे विच ताही वह कामयाब हुंदा। आपां मिलांगे किसी होर स्टोरी नाल होर क्वालिटी नाल। अज इन्ना ही, कल किसी नवी वीडियो नाल मैं फिर आना। बहुत बहुत शुक्रिया।